अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम है मोहसिन अहमद गिलानी और आप देख रहे हैं मीडिया वर्ल्ड 247। जनाब, कल्चरल शोज़ किसी भी मुल्क की आन बान शान होते हैं और इसी तहत PHA ने पाकिस्तान लाहौर में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जश्न बहारा मुनक़िद किया है, जिसमें फैमिलीज आई हुई हैं, लोग आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं और बहुत सारे इंजॉय कर रहे हैं। आए हम देखते हैं कि लोग कैसा इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम बच्चे, क्या नाम है आपका? अनीस आतिफ। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जश्न बहारा में आई हुई थी, क्या क्या देखा, इंजॉय किया? हम लोग ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया से आए हैं, तो काफ़ी अरसे के बाद हमने ऐसे फेस्टिवल देखा है। सो इट वॉज रियली ब्यूटिफुल एंड बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हमने देखे हैं, सिंधी कल्चर, पंजाबी कल्चर, स्पेशली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स थे, पंजाबी से लेकर चाइनीज़ भी। क्या क्या खाया आपने? हमने तो क्या कहते हैं गोलगप्पे ऑब्वियसली इतनी गर्मी में, उसके बाद हम लोग ने आइसक्रीम्स। ज़बरदस्त, आपने क्या खाया? मैंने गोलगप्पे खाए थे और उसके साथ उसका पानी। क्या बात है, और आपने? मैंने भी मैंने तो आइसक्रीम खाई है। ज़बरदस्त, तो कहाँ से आप भी सऊदी से आए हो? हाँ जी। तो क्या आपको लगा ये अच्छा मज़ा आया प्रोग्राम? हाँ जी, बहुत मज़ा आया। कोविड के बाद सबसे बड़ा ऐसा फेस्टिवल देखना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़। इमरान खान साहब के लिए कुछ कहेंगे? नहीं, कहते पाकिस्तान गवर्नमेंट जिंदाबाद। नहीं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमने फाउंटेन भी देखा था और साथ में वाटरफॉल भी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम बुशरा है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज जश्न बहारा लगा हुआ है, फैमिली के साथ आप आई हैं, कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा लगा है, पाकिस्तान में ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोविड के बाद जो रौनक ख़त्म हो गई थी वो आज आई है। लाहौर की जो 2-3 सालों से जो लाहौरिये बेचारे परेशान हो गए थे कि कोई चीज़ ही नहीं थी, कहीं जा ही नहीं सकते थे, वो ख़त्म हो गई है माशाल्लाह। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, इसे हर बीमारी से दूर रखे। तो क्या क्या देखा अभी तक आपने? कुछ खाया भी है? मैं देख रहा हूँ अभी भी आप कुछ खा रही हैं। अच्छा, अभी आए हैं हम लोग, थोड़ी देरी हुई है 10 मिनट। जो फैमिली अभी तक नहीं आई उनको कोई मैसेज दें कि यहाँ पे आए? आना चाहिए, थोड़ा चेंज मिलेगा, घर की टेंशन से दूर होंगे। बहुत शुक्रिया आपसे बात करें। सीजन नोन एज क्वीन सीजन That starts from March and ends in May, symbolizing. अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम आज मौजूद हैं यहाँ एक बड़े रवायती खानों के स्टॉल के ऊपर। इसको जहाँ तक हम बचपन से सुनते आए हैं कोई कतलम्मा कहा जाता है, ठीक है, और इसको पाकिस्तानी पिज़्ज़ा भी कहा जाता है। तो उसके जो स्टॉल के ऑनर है वो मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? रमजान अली। रमजान भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है? आप ये लोकल लाहौर से ही आके इधर स्टॉल लगाए या कहीं दूसरे शहर से? हम लाहौर के ही हैं यार। ये क्या होता है ये कतलम्मा? ये बचपन से सुनते आए हैं, इसको क्या कहते हैं? कतलम्मा बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोलें तो पाकिस्तानी पिज़्ज़ा है। ये पाकिस्तानी पिज़्ज़ा है? तो बनता कैसे है और इसके टेस्ट क्या है? टेस्ट माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है और लोग इसे पाकिस्तान में बहुत अच्छा पसंद करते हैं, यानी कि। तो कैसा जा रहा है, लोग आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं? जी माशाल्लाह आ रही हैं। चलें, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं बस, थैंक यू, बहुत शुक्रिया यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, नाम है अस्सलाम भाई। कहाँ से आए? पिंडी भटिया से आए। पिंडी भटिया से स्पेशल ये शो देखने आए या लाहौर में आए हुए थे? शो देखने आए हैं। तो देख लिया? हाँ जी देख लिया। कैसा आया, मज़ा आया? मज़ा आ गया। क्या क्या खाया पिया? सब कुछ खाया, जो इधर दही बल्ले, नान शान और बोतल नान कबाब, अब ये अपना साग और मकई की रोटी भी टेस्ट। क्या बात है, क्या बात है, अकेले अकेले खा लिया, हमें पूछे नहीं आप? हम आए नहीं, हम तो अभी आए हैं ना, फिर इसका मतलब है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, मज़ा आया? गवर्नमेंट को इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए, बहुत ज़्यादा करने चाहिए, पतंगबाजी भी खोलनी चाहिए, पतंगबाजी भी यहाँ पे साल लगवा दें, बिल्कुल लगना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अशीर है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करने आए हैं आज यहाँ पे? घूमने फिरने। मजा आ रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ फिलहाल, देखते हैं आता कि नहीं आता। अभी कुछ भी नहीं हुआ, कोई मजा नहीं आया? हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे, कोई गाना सुना दो हमें, जो आवाम हमारी देख रही है। मुझे गाना कोई नहीं आता। कोई नगमा, कोई मिली नगमा, कोई बात? श्रीलंकनी से आता, श्रीलंकनी नहीं, नहीं। कोई भी सुना दो। कुछ भी नहीं? नहीं मुझे कुछ नहीं आता। पाकिस्तान के लिए कुछ कह दो, मम्मा पापा के लिए कुछ कह दो। पाकिस्तान का पूरा नाम पाकिस्तान नहीं है, कुछ और है पता नहीं। अच्छा, और मामा जी हैं, पापा जी हैं? दोनों अच्छे हैं। तो मामा को या बाबा को कह दो बाबा आई लव यू। नहीं रहने दे। नहीं रहने दे, कोई प्यार पूर नहीं है। चलो ठीक है, थैंक यू। तो
तो पाकिस्तान में हर बंदे की किस्मत आजकल वैसी पैड़ी चल रही है और एंकर्स की तो आपको पता ही है किस्मत वैसी बुरी होती है। तो हम देखते हैं कि यार मेरी किस्मत क्या है। आज मेरे साथ एक बड़े सीनियर जो हैं ये फाल निकालने वाले सर बैठे हुए हैं। पहले इनको अपना नाम शाह बताते हैं, इनका भी नाम पूछते हैं और फिर अपनी फाल निकलवा के देखते हैं हमारी किस्मत में क्या आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? हिकमतुल्लाह। हिकमत साहब कब से ये माशाल्लाह काम कर रहे हैं? ऐसा 90 से, बचपन से। बचपन से माशाल्लाह। तो मेरी किस्मत का क्या बताएंगे आप? आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है मुआज अहमद गिलानी। तो देखते हैं जनाब ये आज तोता जो है ना, तोता वो मेरी फाल निकालने लगा। जरा तोते पे फोकस कर यार, तोते पे अगर ये फोकस कर ले तो मुझे भी पता लगे कि तोता मेरी क्या फाल निकाल रहा है। तो देखे जी किस्मत की पिटारी खुल रही है, देखते हैं। मैं पढ़ के देख लेता हूँ जी। अगर बुरा हज़रत सलमान फारसी साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ऐ साबे फाल तुम्हारी ये फाल अच्छी नहीं है, एक महीना और चंद दिन गर्दिश किए हैं, तुम जिसका इरादा करते हो वो काम बनते बनते बिगड़ जाता है। ये अयाश अयाम का बायस है और एक शख्स तुमको धोखा देना चाहता है, इससे खबरदार रहना बेहतर है और तुम इबादत करते रहो, सब काम ठीक हो जाएंगे और को इंशाल्लाह ताला जनाब ज़िंदगी में बदलते रहेंगे। अंकल का बहुत शुक्रिया, अंकल से हम इजाज़त लेते हैं और इनको पेमेंट करते हैं हम, ठीक है। यहाँ जो भी बंदे हैं अपनी फाल लाजमी इनको हैं ताकि पता लग सके। बहुत शुक्रिया। अलैकुम। एक बड़ी प्यारी सी फैमिली, सारी गर्ल्स आई हुई हैं हमारे साथ, हम इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आई हैं, इन्होंने इंजॉय किया कि नहीं किया। अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हिना। हिना आप सारी फ्रेंड्स हैं या कजन्स हैं, बहनें हैं? सिस्टर्स और फ्रेंड्स। सिस्टर्स और फ्रेंड्स। ये लाहौर से ही आई हैं? जी जी लाहौर से ही। देख लिया आपने सारा जश्न हमारा? जी अभी शुरू किया, अभी देखना है आगे मज़ीद। तो ये क्या चीज़ थी जो आपको अट्रैक्शन हुई कि आप इधर आए सारे काम से धंधे? जो स्प्रिंग फेस्टिवल लगा ना यही हमें खींच के इधर लेके आए। हाँ इनका कल्चर था, उन्होंने दिखाया हुआ है और हैंडमेड चीज़ें दिखाई हुई हैं, ये सारी चीज़ें जो है। कुछ शॉपिंग की है अभी तक? अभी तकरीबन हमें 10 मिनट हुए हैं, अभी हम स्टार्ट करें। लेकिन तो कुछ खाया हो? महंगाई बहुत, महंगी बहुत है चीज़ें। तो गवर्नमेंट से कहते हैं सस्ती भी कर दें? जी जी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ही महंगाई की हुई है इन्होंने, थोड़ा सा हमारी बात उन तक पहुँचाएं आप लोग। जोर से गए ना उस्मान बुज़दार साहब को कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत महंगाई है। सही, बिल्कुल बहुत महंगाई है, थोड़ा सस्ता करें। बहुत सर यहाँ पे भी लोग महंगाई के नोने नो रहे हैं, नहीं आओ। हम गवर्नमेंट से कहेंगे कि जनाब ये सारे खूबसूरत लोग हैं, इनकी बात सुने ताकि लोग प्रॉपर देख सकते हैं, दूर दूर से खरीद नहीं सकते। चलें बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम उनैसा। उनैसा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक। पापा के साथ आई थी इधर? पापा और मम्मा के साथ। दोनों के साथ मज़ा आया? कुछ खाया भी? नहीं कुछ भी नहीं खाया। अच्छी बात है नहीं खाया। अच्छा कुछ सुनाएंगे मेरे को, गाना कोई सॉन्ग कोई नज़म? पोएम सुना। पोएम सुना दें भाई, प्यारी सी बच्ची हमें पोएम सुनाएगी। मकरी ने क्या जाला ताना, कैसा अच्छा ताना बाना, आखिर इसने क्यों कर जाना, इससे मिलेगा मुझको खाना, जिसने मकरी पैदा की है उसने उसको इतनी अकल भी दी है, रोजी का क्यों तुझको गम है, मकरी से भी क्या तू कम है, जब तक तेरे दम में दम है, हाथ में कागज और कलम है, सीख ले बाबे इन वह न तू, मेहनत कर तू मेहनत कर तू। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया आपका।